सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कार ट्रेड लिमिटेड और न्यूवोको विस्तास लिमिटेड के आईपीओस का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 7 अगस्त 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार ट्रेड लिमिटेड के आईपीओ की। देखिए जो आईपीओ है 9 से 11 अगस्त के बीच ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 1585 से 1618 रुपये के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 1618 रुपये में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 9 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 450 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 1618 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 450 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 2068 यानी 2068 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अभी के हिसाब से देखें तो प्रीमियम ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके प्रीमियम में काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम करीब 750 रुपए के आसपास चला करता था और आप देख सकते हैं 750 रुपए से अभी इसका प्रीमियम 450 रुपए तक पहुंच गया है, यानी कि इसके प्रीमियम में ऊपरी स्तरों से करीब 300 रुपए की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। और यह इसलिए भी है क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है। पिछले दिनों अभी जो आईपीओ एक हुआ है जिसका नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड का आईपीओ, जिसमें उम्मीद के मुताबिक थोड़ा सा कम प्रीमियम हमें देखने को मिला, जिसके कारण सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी यहां पर प्रीमियम काफी बढ़िया चल रहा है और परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 20 से 25% के आसपास अप्रोक्सीमेटली यहां पर प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए हो सकता है कि इसका प्रीमियम आपको बढ़ता हुआ नजर आए और कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी के जो बिजनेस करती है कंपनी वो भी काफी शानदार है, जिसके कारण आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही बेसिस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहां पे 2068 पर लिस्टिंग बता रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि करीब 2200 रुपए के ऊपर इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। तो देखते हैं कितने पर लिस्टिंग होती है, लेकिन फिलहाल आपको इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करना है क्योंकि आईपीओ काफी बड़ा है, जिसके कारण आपको यहां पर अलॉटमेंट के भी चांसेस रहेंगे और यहां पर प्रीमियम तो आपको मिल ही रहा है। और अगर आप यहां पर कम प्रीमियम से खुश होते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो वो है न्यूवोको विस्तास लिमिटेड का आईपीओ। ये आईपीओ भी 9 से 11 अगस्त के बीच ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 560 से 570 रुपए के बीच इसका प्रीमियम प्राइस बैंड रखा गया है, यानी कि 570 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 26 शेयर्स होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो करीब 35% का रिजर्वेशन यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 35 से 39 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 570 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 39 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 609 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसका प्रीमियम करीब 55 रुपए के आसपास चला करता था और कल के दिन बात करें तो इसका प्रीमियम 40 था और आज इसका प्रीमियम आप देख सकते हैं मिनिमम 35 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 55 रुपए से इसका प्रीमियम 35 रुपए पर पहुंच गया है। आप खुद सोच सकते हैं 55 रुपए से ऊपरी स्तरों से इस प्रीमियम में करीब 20 रुपए की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए इस आईपीओ में थोड़ा सा सस्पेंस है, आपको अंत तक इंतजार करना है। देखिए कंपनी ठीक ठाक है, जो ग्रुप है वो निर्मा ग्रुप की कंपनी है और निर्मा को आप सभी जानते हैं, निर्मा डिटर्जेंट पाउडर को आपने बहुत इस्तेमाल किया है और काफ़ी दिनों से हम इसका नाम सुनते आ रहे हैं। और देखिए उसी ग्रुप की ये कंपनी है, सीमेंट बनाने वाली कंपनी है
तो हम इस आईपीओ में थोड़ा सा सस्पेंस में रहेंगे और आखिरी दिन तक हम इसमें गैस करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पर 35 से 39 रुपए के आसपास ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो ये आईपीओ आपको निगेटिव में लिस्टिंग के संकेत भी यहाँ पर देता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको यहाँ पर संभल कर काम करना है। लेकिन आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं कि आप बहुत रिस्क लेना जानते हैं कि भाई आईपीओ में थोड़ा इधर उधर हो गया तो हम इसको होल्ड कर लेंगे, तो आपको इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करना चाहिए। और जो देखिए सेफ खेलना जानते हैं कि भाई हमको लिस्टिंग गेन ही चाहिए, लॉस हमको मंजूर नहीं है, तो वो इस आईपीओ से दूर रहें और इस आईपीओ को अप्लाई ना करें। और बहुत सारे आईपीओज आए हुए हैं, आप उस आईपीओज में ट्राई कर सकते हैं, इस आईपीओ को अप्लाई ना करें। अगर आप ये सोचते हैं कि थोड़ा बहुत लॉस है तो हम इसको वह नहीं कर सकते और हम इसे जो है लॉस चाहते ही नहीं है, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई ना करें। और भी आईपीओ आए हुए हैं, तो आप अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो ये समझ पाएंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं इस आईपीओ के बारे में। आप कार ट्रेड आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अप्लाई करना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको उस आईपीओ में जरूर अप्लाई करना चाहिए, आपको वहां पर बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और इस आईपीओ में मैंने आपको बताया है कि भाई रिस्की ट्रेडर हैं जो रिस्क लेना जानते हैं, थोड़ा बहुत लॉस से नहीं घबराते हैं, वही इसमें अप्लाई करें। एग्रेसिवली जो अप्लाई करते हैं वही अप्लाई करें, जो सेफ खेलना जानते हैं वो कृपया थोड़ा सा इससे दूर रहें। तो आप क्या सोचते हैं कि भाई ये जो मेरा सजेशन है वो कैसा है, या फिर आपका सजेशन क्या है? आप अपना सजेशन भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो ये आईपीओ के बारे में अपडेट है और यहाँ पर मैं आईपीओ से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली आपको अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।